बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FSC फिजिक्स पार्ट टू के MCQ पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा MCQ पेपर जो है वो फैसलाबाद बोर्ड 2019 ग्रुप टू का है। हमारा फर्स्ट MCQ चैप्टर नंबर 12 से है। विच वन इज फोटो कंडक्टर, कॉपर, सेलेनियम, मरकरी, एलुमिनियम, इनमें से कौन सा फोटो कंडक्टर है? तो नंबर बी ऑप्शन सेलेनियम जो है इट इज़ कॉल्ड द फोटो कंडक्टर। नंबर टू चैप्टर नंबर 12 से है। अ चार्ज ऑफ 4 कूलम इज इन द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम। द फोर्स ऑन चार्ज इज 8 न्यूटन, 16 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन। अगर चार्ज की वैल्यू 4 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे क्यू चार्ज 4 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम। तो वैल्यू ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो नंबर बी ऑप्शन 16 न्यूटन करेक्ट होगा। नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 13 से है। मोह पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो मोह पर मीटर जो है ये एसआई यूनिट है कंडक्टिविटी का, तो नंबर बी ऑप्शन कंडक्टिविटी करेक्ट होगा। नंबर फोर चैप्टर नंबर 14 से है। द मैग्नेटिक कंडक्शन है द सेम यूनिट एज द फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक कंडक्शन का यूनिट जो है वो सेम है टू द फ्लक्स डेंसिटी, तो नंबर बी ऑप्शन फ्लक्स डेंसिटी करेक्ट होगा। नंबर फाइव चैप्टर नंबर 14 से है। द लॉरेंट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, एफ इज इक्वल टू एफ ई माइनस एफ बी, एफ इज इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई एफ बी, एफ इज इक्वल टू एफ ई मल्टीप्लाई एफ बी। तो लॉरेंट्स फोर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो नंबर ए ऑप्शन एफ ई प्लस एफ बी करेक्ट होगा। नंबर सिक्स चैप्टर नंबर 15 से है। लैंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज डेंसिटी। तो लैंड चार्ज किस लॉ के अकॉर्डिंग है? तो लैंड लॉ जो है ये अकॉर्डिंग है कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर सेवन चैप्टर नंबर 15 से है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंथ लॉ। तो ट्रांसफार्मिंग जो है किस म्यूचुअल प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये डिपेंड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर सेवन चैप्टर नंबर 15 से है। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट मैक्सिमम स्पीड द बैक EMF विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, नो बैक EMF वेरीज। तो बैक EMF जो है ये प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड, तो एट मैक्सिमम स्पीड बैक EMF विल आल्सो बी मैक्सिमम, तो नंबर ए ऑप्शन मैक्सिमम करेक्ट होगा। नंबर नाइन चैप्टर नंबर 16 से है। द पीक टू पीक वैल्यू इज वी नॉट माइनस वी नॉट अंडर रूट टू वी नॉट टू वी नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू जो है वो इक्वल है टू वी नॉट, तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर टेन चैप्टर नंबर 16 से है। द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कूलम, वोल्ट, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर। तो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 11 चैप्टर नंबर 18 से है। इन ट्रांजिस्टर द सेंट्रल रीजन इज नोन एज बेस, अमीटर, कलेक्टर, कंडक्टर। तो ट्रांजिस्टर में जो सेंट्रल रीजन है उसे हम बेस कहते हैं, तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 12 चैप्टर नंबर 18 से है। द ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^3, 10^5, 10^6, 10^4। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन की वैल्यू है वो 10^5 है, तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 13 चैप्टर नंबर 19 से है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 1 kg मास इनटू एनर्जी 9 × 10^16 जोल, 9 × 10^9 जोल, 9 × 10^20 जोल, 3 × 10^8 जोल। तो अगर 1 kg मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc² मास 1 kg c³ × 10^8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो 1 × 3 का स्क्वेयर 9^16, 9 × 10^16 जोल, तो नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 14 चैप्टर नंबर 19 से है। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज जोल, जोल सेकंड, वाट, कैंडेला। तो प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट है
वो जोर सेकंड है, तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 15 चैप्टर नंबर 20 से है, इफ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड एट थर्ड ऑर्बिट द रेडिएशन मीटर लाई इन बॉमर लाइमन पास्कन या ब्रैकेट। हाइड्रोजन एटम में अगर ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट पे एंड हों तो जो रेडिएशन है वो किस रीजन में लाई करेंगी, तो रेडिएशन जो है वो सीरीज जो है वो पास्कन सीरीज के लाएगी, तो नंबर ए ऑप्शन पास्कन करेक्ट होगा। जबकि फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट लाइमन, फॉर द सेकंड ऑर्बिट बॉमर और फॉर द फोर्थ ऑर्बिट ब्रैकेट। नंबर 16 चैप्टर नंबर 21 से है, द बम्बारमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अगर नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की जाए, नाइट्रोजन 714 प्लस अल्फा पार्टिकल हीलियम 24, तो वहाँ पे ऑक्सीजन 817 प्लस प्रोटॉन, तो वहाँ पे एक प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो नंबर बी ऑप्शन प्रोटॉन करेक्ट होगा। नंबर 17 चैप्टर नंबर 21 से है, द क्वांटिटी कॉल्ड द ऑब्जर्व डोज डी इज ई बाई एम, ई बाई सी, एम बाई सी, सी बाई ई। तो ऑब्जर्व डोज इज डिफाइंड एट एनर्जी ऑब्जर्व पर यूनिट मास, तो नंबर ए ऑप्शन ई बाई एम करेक्ट होगा।